वेलकम दोस्तों, एमपी पुलिस भर्ती 2020 आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर हम इस पर बात करें क्या क्या इसमें चीजें हैं और रही बात इसकी सिलेबस की, तो वो अभी तक नहीं आया है, उसको देखेंगे बाद में। देखिएगा सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपका एग्जाम की डेट जो है वो पहले से क्लियर कर दी गई है। ठीक है, ये परीक्षा की जो तारीख है वो आपकी 6 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। 6 मार्च 2000 यहां पर आपका 21 रहेगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये आपका 21 रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पोस्ट की। टोटल पोस्ट अगर हम यहां पर देखें तो आपका 4000 है और यहां पर दिया गया है कि ये चेंजेबल होगा, हर बढ़ते नहीं है। ठीक है, मतलब ये पोस्टें आपकी चेंज हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। उसके बाद देखेंगे जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा वो आपका 24 तारीख से, मीन्स कल से आपका स्टार्ट हो चुका है। 24 तारीख से ये आपका फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी रहेगी 7 जनवरी। ठीक है, और जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे, कभी कभी क्या होता है थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक के लिए आपको संशोधन करने की जो तारीख है वो आपकी है 12 जनवरी। ये कुछ बेसिक्स जानकारी है। अब देखते हैं बात, अगर एज की बात करें तो 18 से लेके 33 तक आपका जनरल वालों के रहेगा, ओबीसी वालों के लिए रहेगा, और एससी एसटी और फीमेल के लिए आपका 18 से 38 साल के बीच की एज रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें तो एग्जाम की, जैसा आप लोग देख सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, कब आपकी वैकेंसी आती है, कब आपका एग्जाम होता है, कब रिजल्ट आएगा, उसका कोई क्लियर नहीं रहता है। आप लोगों में इतना तो अच्छा हुआ एमपी में कि एग्जाम डेट पहले से उन्होंने दे दी, जिससे कि स्टूडेंट तैयारी अच्छे से कर सके। दूसरी बात, मेरे चैनल पर जब आपका एमपीएसआई का और एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, सारे पेपर्स उस पर डले हुए हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आप उसमें डालेंगे एमपी कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर जो भी आपका हुआ भाई भरसरा, जब आप डालेंगे तो आपको सारे वहां पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी रीजनिंग का, जीके का और आपका जो है मैथ के पेपर आए थे। ठीक है, इसमें आयु की गणना की जाए कब, 1 अगस्त 2020 से। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए आप, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 10/11/1992 अगर है आपकी, तो इसकी गणना आप यहां से करेंगे। कैसे करते हैं, अगर मैं इसको एक सॉल्व करके बताऊं, 1 अगस्त 2020 इस तरह से। ठीक है, आप चाहे उसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक है, अगर हम देखें कि कितने वर्ष आपकी हुई, 18 से 33 वर्ष आपकी होने चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करेंगे। 1 में से 10 जाएगा नहीं, ये आपका होता है डे का, महीना किसका, अगस्त का। अगस्त में होते हैं 31 दिन, 31 यहां से एक हासिल लेंगे, एक महीने की हासिल लेंगे ना, तो एक महीने में 31 दिन हुए, 32 में से अगर आपका 10 जाएगा क्या बचेगा, 22 बचेगा। अब यहां पर आपका 7 बचा। ठीक है, ये आपकी साल होती है 12 महीने, ये महीने वाला कॉलम है ना, तो यहां से एक साल लेंगे, मतलब 12 महीने लेंगे, तो 12 7 19 19 में से 11 गया तो आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब आप यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ना 19 रहेगा ना, ये 2019 हो गया आपका, क्योंकि एक साल आपकी यहां पर चली गई, तो 9 में से 2 गया 7, और यहां आप देखेंगे तो ये आपका 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, तो आपकी 27 साल 8 महीना 22 दिन हुआ। ठीक है, इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं अगस्त में। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है। आगे देखिए, जनरल की पोस्ट आपकी 1,041, इतनी ओबीसी की, एससी के 617, एसटी के 772 और ईडब्ल्यूएस की 387। इस तरह से आपका ये पूरा परफॉर्मा था, आप यहां पर देख सकते हैं। एग्जाम की बात करें, मार्च से शुरू होंगे, पुराने पेपर यहां पर डले हुए हैं और अगले पेपर जो आने वाले हैं वो किस रणनीति के तहत रहेंगे उसको हम लेकर आएंगे यहां पर। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ज्यादा समय नहीं है। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च से आपके स्टार्ट है, आपके पास 4 महीने का समय है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को, कंसेप्ट को आप समझिएगा, बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आप वहां पर जाकर देखिए। कोई भी डाउट हो आपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा,
और आपको एज को लेकर या कोई सिलेबस को लेकर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका वीडियो रखते मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।